हेलो दोस्तों, बात करते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की। यानी सेल की 2.5% के आसपास की बेहतरीन रैली आई है। 127 रुपीज का स्टॉक हो चुका है हमारा, और जो मोमेंटम सेट हुआ है आज के दिन में वो बहुत ही बेहतरीन रहा है। स्टॉक लगातार अपने आप को प्रूव करता रहा है। पिछले दिनों जब मेटल सेक्टर में आग लगी तो सेल वॉज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टॉक, और उसके बाद आप देखिए कि 350% के आसपास का रिटर्न आपको उसने कुछ हफ्तों में ही दे दिया था। तो क्या वो दोबारा से रैली दोबारा कंटिन्यू हो सकती है या नहीं? जैसा ब्रोकर्स हाउस का कहना है कि यहाँ पर वो रैली दोबारा आएगी, रुकना है। बाकी अगर आप ग्लोबल सिनेरियो देखें और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में जो सेल हो रही है इस समय पर आयरन ओर वगैरह की, वो बहुत कम है, उसको देख करके लगता है कि नहीं यार, स्टॉक में दबाव बना रह सकता है। क्या होगा क्या नहीं होगा वो बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें सेल की तो एक अच्छा स्टॉक है हमारे सामने। चार्ट पैटर्न आज का ठीक ठाक है, ग्रोथ हुई मॉर्निंग में, उसके बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। रीजन यही है यार, यहाँ पर जब भी स्टॉक इस तरह से हमारा चार्ट पैटर्न बनाता है तो उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती ही है। कुछ चीजें आपको नोट करना पड़ेगा कि ये हमारा लेवल था जहां पर हमने प्रॉफिट बुक करने के लिए आपको कहा था, क्योंकि 135 के आसपास आप देखेंगे तो यहाँ पर एक हमें रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिखाई दिया था, और जिन लोगों ने यहाँ पर सेलिंग नहीं किए थे हमारे कहने के बावजूद और लॉस फेस किया था इतना ज्यादा, उन लोगों के लिए ये एक अच्छा लेवल था बेचने के लिए। बाकी बेच दिया होगा बहुत सारे लोगों ने, आई होप। जिन्होंने नहीं बेचा है उनके लिए क्या करना है, या फिर जो लोग खरीदारी करना चाहते हैं उनको क्या करना है, वो बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपको कुछ एक चीज यहाँ पर देखना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं जो नई खबर है हमारे सामने उसकी। तो सेल से जो न्यू खबर आई है, जो एक घंटे मतलब एक दिन पहले की खबर है हमारे सामने, सेल हैज पोस्टपोन्ड इट प्लान्स टू बिगिन कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ हेड हार्डन्ड डबल एच, कहा जाता है डबल एच रेल्स एट इट्स भिलाई स्टील प्लांट इन छत्तीसगढ़ एज द फॉरेन एक्सपर्ट्स इन्वॉल्वड इन द ट्रायल्स लेफ्ट इंडिया इन द वेक ऑफ द सेकंड कोविड वेव। तो यूरोप से बहुत सारे एक्सपर्ट वगैरह आए थे, अलग अलग कंट्रीज से वो लोग आए थे, और वो जब सेकंड वेव आया यानी मार्च अप्रैल के अराउंड में, तो वो लोग इंडिया छोड़ करके अपने अपने कंट्री चले गए, और इसी वजह से डबल एच का जो प्रोडक्शन था वो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर हॉल्ट पर रुका हुआ है। सेल से जब पूछा गया कि यार डबल एच का प्रोडक्शन कब से स्टार्ट होगा, तो उन्होंने बोला कि अभी क्योंकि एक्सपर्ट चले गए हैं तो उनका वेट करना पड़ेगा, पहली समस्या तो ये है। दूसरी दिक्कत ये है कि डबल एच रेस हैज बीन डन, जो कोल्ड कमीशनिंग थी इसकी वो हो चुकी है, जो हॉट कमीशनिंग होती है, हॉट ट्रायल्स जिसे कहा जाता है, वो जो होती है वो ओवरटेकन इन मार्च दिस ईयर, ठीक है। द इंटायर प्रोसेस वाज गोइंग ऑन विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट ऑफ फॉरेन एक्सपर्ट्स, बट इट हैड टू बी पोस्टपोन्ड मिडवे ड्यू टू द सेकंड वेव ऑफ पेंडेमिक। द वर्क विल रिज्यूम एज सून एज द सिचुएशन इज कंड्यूसिव फॉर एक्सपर्ट्स टू रिटर्न। जैसे ही सिचुएशन थोड़ी सी ठीक हो जाती है वैसे ही डबल एच का जो प्रोडक्शन है डबल एच रेल्स का वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर प्रॉब्लम आपके सामने क्या है, प्रॉब्लम ये है कि देखो अभी तो एक्सपर्ट है नहीं, और सेकंड वेव आने थर्ड वेव आने वाली है, जैसा अभी न्यूज भी आप देखेंगे तो कुछ हफ्तों में ही थर्ड वेव यहाँ पर अक्टूबर तक मेनली थर्ड वेव भी हमारी आ जाएगी। तो डबल एच रेल्स का जो प्रोडक्शन है वो तो यहाँ पर होने वाला नहीं है इन नियर टाइम सून। तो प्रॉब्लम यहाँ पर यह आ गई है कि अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो वो बेचेंगे क्या, और इनका जो प्रोडक्शन ही बंद रहेगा तो स्टॉक किस बेसिस पर आप ग्रो करवाएंगे, है ना। तो वो थोड़ी सी समस्या यहाँ पर आई है सेल के सामने। और पिछले दिनों भी जैसा मैंने आपको रिपोर्ट दिखाया था कि आयरन ओर काफी ज्यादा पड़ा हुआ है इनके पास और कोई खरीदारी करने के लिए नहीं है, उसकी वजह से भी स्टॉक पर लगातार प्रेशर बन रहा था। तो प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर, सॉल्यूशन की बात करें यहाँ पर तो देखो एक सपोर्ट की बात करते हैं। सबसे पहले तो सपोर्ट आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम तक सपोर्ट मिलेगा 114 110 के आसपास का सपोर्ट आपको यहाँ पर मिलेगा इस स्टॉक में, इससे नीचे जाने की संभावना बहुत कम है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे ना तो स्टॉक आपका बेहतर है, बट इस समय सिचुएशन कंड्यूसिव नहीं है बहुत ज्यादा कि स्टॉक में आप पैसा लगा करके वेट करें। वेट करने से मेरा मतलब है कि अगर आप शॉर्ट टर्म में कुछ ढूंढ रहे हैं तो शॉर्ट टर्म का स्टॉक आपके सामने ये नहीं है। लॉन्गर टर्म में, लॉन्गर टर्म इन द सेंस किया 4 महीना 5 महीना 6 महीने कम से कम आपको रुकना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या है ना आजकल के लोगों की कि उनको 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में बहुत ज्यादा पैसा बनाना है, वो प्रॉब्लम है ये स्टॉक मार्केट में। अगर आपको लगता है कि 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में आप पैसा डबल करने आए हैं तो फिर थोड़ा सा आप लॉस की ओर भाग रहे हैं, लॉस मेकिंग सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप सेल में खरीदारी करते हैं तो आपको कम से कम 4 से 5 महीना रुकना पड़ेगा। रीजन क्या है इसका कि देखो अगर डबल एच रेल्स का प्रोडक्शन रुक भी गया है तो इनके पास और भी सेगमेंट्स है जहां पर ये अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आयरन ओर हो गया और अभी एक्सपोर्ट बंद है हमारे इंडिया से, रीजन यही है हमारे सामने क्योंकि काम बहुत कम चल रहा है और कोविड को लेकर के बहुत सारी कंट्रीज ने हमें एक्सपोर्ट बैन में डाल रखा है। तो जैसे एक्सपोर्ट बैन से हटते हैं, जैसे कोविड की सिचुएशन थोड़ी नॉर्मलाइज हो जाती है, थर्ड वेव के आने की संभावना है, आके जाएगी या ना आए तो ज्यादा बेहतर है, वो सारी सिचुएशन जब तक क्लियर आउट नहीं होती है तब तक थोड़ा सा सेल में या मेटल सेक्टर में ये जो एक्सपोर्ट करने वाली कंपनीज के स्टॉक है उनसे थोड़ा सा दूर रहोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, चाहे कोई भी हो।
आप वीआईपी इंडिया को देख लीजिए, आप चाहे ब्लू स्टार कंपनी को देख लीजिए, चाहे आप टूरिस्ट और चाहे आप टूरिज्म वाले सेक्टर को देख लीजिए, अभी ये सारे ही सेक्टर जो बाहर इंटरनेशनल ट्रैवलिंग से जुड़े हुए हैं या ट्रैवलिंग से जुड़े हुए हैं वो थोड़े से अंडर प्रेशर परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस समय को आपको लाभ उठाना है, घबराना नहीं है, खरीदारी की जा सकती है बट लॉन्ग टर्म के लिए। बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी बना करके सेल में खरीदारी करते रहो, माल बनाते रहो अपने पास, एवरेज प्राइस डाउन लाते रहो और ऐसा करते करते आपके पास एक अच्छा खासा स्टॉक हो जाएगा और उसके बाद आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। एक चीज और याद रखनी है, जब भी कोई भी कहता है ना बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी का खरीदारी करो, दैट डजंट मीन कि आप अपना पूरा पोर्टफोलियो या पूरा कैपिटल उसमें डाल दो। सिंपल मतलब यही, अगर आपने 10% आप अलॉट करते हो या जितना भी आप अलॉट करते हो एक स्टॉक में, उसका उसमें से धीरे धीरे बाय करना है। मेरा पर्सनल रीजन है कि मैं 10% पैसा ही किसी भी स्टॉक में लगाता हूं, तो 10% में पहले 2% से बाय कर लो, फिर 5% से बाय कर लो, फिर 3% से बाय कर लो। तो इस तरह से आपको बाइंग करनी है सेल में भी। अच्छा चार्ट पैटर्न है, अभी इस समय पर न्यूट्रलिटी में रहेगा, यहाँ से ब्रेक करने वाला नहीं है, कोई बड़ा ब्रेकआउट देखने को नहीं मिल रहा है नियर बाय टर्म में। थोड़ा सा स्टे कीजिए, होल्ड करने की स्ट्रेटजी बनाइए। बाकी आरएसआई की बात करें तो 52 का हमारा आरएसआई है और मैग्डी अभी भी हमारा बुलिश और बेरिश के बीच में जूझ रहा है, तो बुलिश और बेरिश की फाइट में आपको खरीदारी करके रखना है, स्टॉक को होल्ड कीजिए। बेचने की सलाह मेरी नहीं रहेगी यहाँ पर, बेचना गलती भी होगी आपके लिए थोड़ा सा। अगर आप वॉल्यूम बहुत ज्यादा है और आप अभी भी प्रॉफिट में हो तो थोड़ा सा निकाल दो, 10% रख सकते हो यहाँ पर मैक्स टू मैक्स, इससे ज्यादा ना रखो तो ज्यादा बेहतर है। बाकी बात करें खरीदारी की, डिलीवरी की बात करें यहाँ पर, तो 14 जून को 19-20% की डिलीवरी थी और उसके बाद 21-22% डिलीवरी 18 जून तक हुई है। तो ऑलमोस्ट डिलीवरी अभी भी सेम पैटर्न पर काम करे, डिलीवरी परसेंटेज अभी भी डाउनवर्ड है, प्रेशर में परफॉर्म कर रहा है, तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा यहाँ पर। जब लोग इंटरेस्टेड दोबारा से दिखाई देंगे स्टॉक में, स्टॉक को खरीदारी मांगती है, स्टॉक में 30%, 35%, 40% के आसपास की डिलीवरी होगी, उसके बाद स्टॉक आपका देखना कितनी तेजी से भागे और वो टाइम पैटर्न चेंज होता, मार्केट साइकिल चेंज होता। तो ज्यादा डरने वाली बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं, ऐसा नहीं कि डूबेगी कंपनी, आपका पैसा डूबेगा, पैसा आपका दोबारा से 50% 60% का ग्रोथ यहाँ पर सेल में अभी भी दिखाई दे रहा है, तो बने रहिए बाजार में। बात करें स्टॉक मार्केट की एज अ होल, तो यहाँ मंडे का दिन बहुत अच्छा रहा है, रिकवरी बहुत अच्छी हुई है बाजार में और इस रिकवरी की उम्मीद भी थी हमें। सैटरडे की वीडियो देख लो, संडे की वीडियो देख लो, हमने इस रिकवरी के बारे में आपसे लगातार बात की है कि स्टॉक अब हमारा रिकवर करेगा, बट दैट डजंट मीन कि ये स्टॉक अब ब्रेकआउट देगा हमारा। 15,550 के बीच में ट्रेड करता वो दिखाई दे सकता है, तो थोड़ा सा संभलना है, बहुत ज्यादा आपको भागा दौड़ी नहीं करनी है, वही स्टॉक खरीदिए जो लंबे समय तक रख सकते हैं। बात FII DII की करें तो दोनों ने ही खरीदारी की थी शुक्रवार को, अच्छी खरीदारी थी। आज का भी चार्ट पैटर्न देख के यही लगता है कि खरीदारी स्टॉक मार्केट में हुई है और खरीदारी का ही मसला है, सेल में खरीदारी चालू हो गई है, खरीदारी कीजिए अभी, होल्ड कीजिए स्टॉक को, अच्छा स्टॉक है, पैसा बनेगा आपका, बट यू हैव टू होल्ड इट फॉर एटलीस्ट 6 months, ठीक है, तो उतना टाइम फ्रेम लेकर के चलिए। बाकी स्टॉक अच्छा है, खरीदारी करने की सलाह मेरी रहेगी लॉन्ग टर्म के लिए, बाकी होल्ड कीजिए स्टॉक को अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी कर चुके हैं वो लोग। अब वीडियो यही खत्म करते हैं, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, क्या है आपकी स्ट्रेटजी प्लीज कमेंट करके बताना, कुछ और भी पूछना हो तो प्लीज कमेंट मिलो, हम सभी कमेंट अप्लाई करने की कोशिश करेंगे।